अपने जो फिजिक्स का जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है उसमें चल रहे हैं, और आज अपना जो वीडियो है इसका वो फिफ्थ नंबर का वीडियो है। और फिफ्थ नंबर के वीडियो में जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में चर्चा की थी हमने, कि आज हम चर्चा करेंगे मैग्निफिकेशन पे। किस पे चर्चा करेंगे? मैग्निफिकेशन पे चर्चा करेंगे। आई बात समझ में बच्चों? आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन। किस पे चर्चा करने जा रहे हैं? मैग्निफिकेशन। हिंदी में बोला जाता है आवर्धनता। क्या बोला जाता है? आवर्धनता। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कितना बढ़ा सकते हो आप, कितनी बढ़ रही है वो चीज। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्निफाइड करना, प्रवर्धित करना, उस चीज को बढ़ाना। आगे बात समझ में? आज अपन जा रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धनता। ओके, कोई दिक्कत नहीं। मैग्निफिकेशन को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया जाता है एम के द्वारा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एम के द्वारा। अब मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन होती है, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अपन अगर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे बच्चों, तो मैग्निफिकेशन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? वो होता है m इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का जो डेफिनेशन होती है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद रखना है। आवर्धनता की परिभाषा हमें ये कहती है कि इमेज हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या होती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अपन हाइट ऑफ इमेज को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, हाइट ऑफ इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं एच आई, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच ओ। तो देन फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन फॉर द स्फेरिकल मिरर इज इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच नॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, हाइट ऑफ जो इमेज है, वो कितने गुणा बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। इमेज की जो हाइट है वो कितने गुणा बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। इस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि इमेज की जो हाइट है वो कितने गुणा बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से। आगे बात समझ में? सेकंड बात हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी चीजें पुट करनी है वो विथ साइन पुट करनी है। क्या करनी है? विथ साइन पुट करनी है। हमें हमारे जो साइन कन्वेंशन वाले जो रूल्स हैं वो नहीं छोड़ने हैं। साइन कन्वेंशन वाले रूल्स नहीं छोड़ने हैं। एक बार दोबारा मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूं कि साइन कन्वेंशन क्या होता है। साइन कन्वेंशन को हिंदी में बोला जाता है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में हमें तीन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं बच्चों। एक बार दोबारा मैं आपको उनको लिख के बता देता हूं। इन वीडियोस को मैं इतना बड़ा और इन वीडियोस को इतना लेंदी इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है उसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो। कंसेप्ट क्लियर करने हैं हमें बच्चों, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में इस पार्ट से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। जरूर से एक तो हमारा रे ऑप्टिक्स का पार्ट है जो कि 11 नंबर वाले चैप्टर में है, एक हमारा वेव ऑप्टिक्स है जो कि 12 नंबर वाले चैप्टर में है। हम दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जितने ज्यादा वीडियो बन सकेंगे उतने बनाएंगे, लेंदी बनाएंगे, क्योंकि ताकि हमारा सारा कंसेप्ट डिस्क्राइब हो सके। आगे बात समझ में? जितनी बार आप वीडियो देखोगे उनमें से कम आपको चीज ऐसी मिलेगी जो जस्ट पीछे वाले वीडियो में मैं पहले आपको बता के आया हूं। आई समझ में? मैं आपको साइन कन्वेंशन एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं आपके सामने। साइन कन्वेंशन की पहली चीज क्या रखोगे? ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल। ये मैं आपको हजार बार बता चुका हूं कि ऑल द डिस्टेंस इन द स्फेरिकल मिरर विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारी जो दूरियां होती है, जितनी भी दूरियां हम मापते हैं, वो सारी दूरियां कहां से मापी जानी चाहिए? ध्रुव से मापी जानी चाहिए। कहां से मापी जानी चाहिए? ध्रुव से मापी जानी चाहिए। आगे बात समझ में? सेकंड में आपके सामने बोलता हूं, द डिस्टेंस
आर मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, वे दूरियां जो कि आपतित किरण की दिशा में मापी जाती है वो धनात्मक होती है, जबकि एंड द डायरेक्शन विच आर मेजर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इट मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेज विल बी नेगेटिव, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जो दूरियां आपतित किरणों की दिशा में मापी जाती है वो धनात्मक होगी, जबकि आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। आगे बात समझ में। थर्ड चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि द हाइट मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, जब प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर जब ऊंचाइयों को मापते हैं तो वो पॉजिटिव होती है, और यदि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ की मापते हैं तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। इनको मैं आपके सामने अच्छी तरीके से पीछे वाले वीडियो में डिस्क्राइब करके आ चुका हूं। दोबारा मैंने आपको कहा सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। सेकेंड पॉइंट, वे दूरियां जो कि आपतित किरणों की दिशा में होगी वो पॉजिटिव होगी, और विपरीत दिशा में होने वाली दूरियां नेगेटिव होगी। थर्ड, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ मापी जाए तो दूरियां धनात्मक होगी, और यदि मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ मापी जाए तो दूरियां ऋणात्मक होगी। क्लियर बात। अब हम चलते हैं अपने मैग्निफिकेशन वाले टॉपिक के ऊपर। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। अब मैं आपको वी और यू डिस्क्राइब करता हूं क्या होता है। V होती है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब मेरे को यहां ये चीज लगाने की जरूरत नहीं है फ्रॉम पोल, क्योंकि जितनी भी डिस्टेंस मेजर करोगे कहां से मेजर करोगे, पोल से मेजर करोगे, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। ओके, देन U इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए पोल। V क्या है यहां पे, डिस्टेंस ऑफ ए इमेज फ्रॉम द पोल। एंड U क्या है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। आगे बात समझ में। अब आपके सामने मैंने एक बात रखी कि ये जो फॉर्मूला होता है वो चलता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, बट दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहां से आया सर, तो अपन इस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। इस फॉर्मूले को क्या करते हैं, अपन डिराइव करते हैं बच्चों। आगे बात समझ में, यहां तक आप समझे बहुत अच्छा। अब अपन चलते हैं इस फॉर्मूले को डिराइव करने। ओके, मैग्निफिकेशन को मैंने आपको बताया, मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपको हाइट ऑफ इमेज का मतलब एच आई एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब एच ओ, एंड दीज आर डिस्टेंस हैव टू बी पुट विथ साइन कन्वेंशन। इनको साइन कन्वेंशन के साथ ही हमें रखना है, विदाउट साइन कन्वेंशन के हमें इनको नहीं रखना है। आगे बात समझ में। अब हमें जो फॉर्मूला प्रूव करना है बच्चों, वो हमारे सामने ये था, एच आई अपॉन एच नॉट इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन ए यू। ओके, अब अपन बनाते हैं मिरर। अपन मिरर पता है, जब भी अपन कोई इमेज बनाने की कोशिश करते हैं तब अपन मिरर लेते हैं, कौन के वो मिरर लेते हैं। ओके, कौन सा मिरर लेते हैं, कौन के वो मिरर लेते हैं, तो बनाते हैं, ये अपना हो गया मिरर, हो गया ये मिरर हमने बना लिया। लो जी, कौन के वो मिरर, कौन के वो मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस तैयार हो गया अपना, ये अपना पोल और ये फोकस और ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है, ये ए और ये बी। ओके, वही इमेज बनानी है। सबसे पहले एक रे ऑफ लाइट लाएंगे, कहां से जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से निकलेगी, रिफ्लेक्ट होने के पश्चात फोकस है। ओके, ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टिंग रे। एक कहां से गुजार दे बच्चों, एक गुजार देते हैं पोल से सीधा ही। जैसे ही पोल से गुजारेंगे, आप भली भांति जानते हो, बिकॉज दिस इज द आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, जो कि वीडियोस में हम जो कि ऑब्जेक्ट करके आए हैं डिस्कशन, उनमें से एक था बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द इमेज विल बी कहां से बनेगी, कहां बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जितने से आया है उतने के उतने से ही हम इसको निकाल देते हैं, मतलब रिफ्लेक्ट करा देते हैं। आगे ये थीटा तो ये भी थीटा। ओके, मैं इसको यहां से मिला देता हूं, ये ए डैश और ये
बी डैश, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, आगे बात समझ में। अब हमें क्या प्रूव करना है, ध्यान रखना ये थीटा और ये थीटा इक्वल है, बिकॉज ध्रुव पर आने वाली प्रकाशीय किरणें जितने कोण से आपतित होती है, जितने एंगल से इंसिडेंट होती है, उतने के उतने ही एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसकी चर्चा हम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, ओके। अब अपन चलते हैं, अपने पास हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं, एक तो ट्राइंगल ए बी पी एवं एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए बी पी एवं ए डैश बी डैश पी, ओके। इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये थीटा और ये थीटा इक्वल, ये 90 और ये 90, तो ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा और ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा। अब आप देख रहे हो कि इन दोनों ट्राइंगल्स का हर एंगल बराबर है, इन दोनों त्रिभुजों के प्रत्येक कोण आपको बराबर दिखाई दे रहे हैं, ये थीटा ये थीटा, ये 90 ये 90, ये 90 माइनस ये 90 माइनस थीटा, देन दीज ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, ये समानुपाती होंगे, ये सर्वांग सम होंगे। जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये ले लिया दोनों का परपेंडिकुलर, और ये ले लेंगे बेस, तो ले लो फिर बेस, फिर बेस ले लिया हमने ए डैश पी अपॉन ए डैश पी अपॉन ए पी। ध्यान देना बच्चों, हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर ऑफ द सेकंड ट्राइंगल अपॉन परपेंडिकुलर ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, हमने क्या लिया, बेस अपॉन द सेकंड ट्राइंगल ए डैश पी, ए डैश पी बेस अपॉन द फर्स्ट ट्राइंगल ए पी, ओके। अब ध्यान देना बच्चों, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ये रही, ये क्या है, ये आर, ये इमेज डिस्टेंस है, क्या है वी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है यू। मैं आपको पीछे बता चुका हूं वी क्या थी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यू क्या थी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ओके। वी क्या थी, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यू क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो ये हमारी यू हो गई, ये हमारी वी हो गई। आई बात समझ में, आपतित किरण की दिशा कौन सी है बच्चों, ये है, V और U दोनों इधर की तरफ हैं, इसका मतलब दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सेकंड बात देखना बच्चों, ये HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज, ये अबव द प्रिंसिपल एक्सिस देन दिस विल बी पॉजिटिव, ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन दिस विल बी नेगेटिव, ओके। इसका मान रखते हैं HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस रखेंगे बच्चों, क्या रखेंगे, माइनस HI, बिकॉज मैंने आपको कहा है जितनी भी डिस्टेंस रखोगे सारी विथ साइन कन्वेंशन रखोगे, चिन्ह परिपाटी के साथ में रखोगे, विदाउट चिन्ह परिपाटी के काम नहीं करोगे। आगे बात समझ में, विदाउट चिन्ह परिपाटी के हमें काम नहीं करना है। अब ध्यान देना बच्चों, HI अपॉन HO, ओके। A डैश P कहां गया, ये रहा A डैश P, क्या है, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है कहां की तरफ, इस तरफ, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इधर की तरफ, अपन कहां माप रहे हैं, इधर की तरफ, इसका मतलब नेगेटिव आ गया, और क्या AP, AP ये रहा बच्चों, AP इधर की तरफ, ये रहा क्या है, U है, ऑब्वियसली इसी डायरेक्शन में है, तो क्या आ जाएगा, माइनस U, ये प्लस आ गया, तो देन HI अपॉन HO इज इक्वल्स टू माइनस V अपॉन U, और ये हमारा फॉर्मूला ये रहा। हमने इसको प्रूव किया है बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा होता है, केवल ये होता है, इसका एक फॉर्मूला और होता है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं इस डेरिवेशन के द्वारा, ओके। ध्यान से समझना, अब हम इसकी थोड़ी सी कंसेप्चुअल बातें और करते हैं, ओके, चलते हैं आगे। हमने लिया था मैग्निफिकेशन, क्या लिया है हमने, मैग्निफिकेशन लिया है बच्चों, ये हमारा आ गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, क्या था, HI अपॉन H नोट कैन आल्सो बी रिटन एज माइनस V अपॉन U, ओके। फर्स्ट आपके पास कंडीशन मान लिया
कि m आपके पास पॉजिटिव है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव है। जो आपके मैग्निफिकेशन है, जो आपका m है, वो क्या है? पॉजिटिव है। यदि आपका m पॉजिटिव है, इट मींस एच आई एंड एच नोट आल्सो पॉजिटिव। एच आई और अपॉन एच नोट भी क्या है? पॉजिटिव है। और आपको पता है कि जब दो चीजों का रेशियो पॉजिटिव है, वो तभी हो सकता है जब दोनों ही क्या हो? सेम साइन में हो। दोनों ही क्या हो? सेम साइन में हो। ये तभी पॉसिबल है बच्चों जब एच आई एंड एच नोट हैव सेम साइन। क्या हो? जब एच आई एंड एच नोट हैव सेम साइन। यदि दोनों प्लस हो फिर भी प्लस आएगा, दोनों माइनस हो फिर भी माइनस प्लस आएगा। ओके, लेकिन यदि दोनों के पास, एक के पास प्लस और एक के पास माइनस हो, तो प्लस नहीं आएगा। हमने पहली कंडीशन क्या ली? m इज पॉजिटिव। इफ m इज पॉजिटिव देन एच आई एंड एच नोट आल्सो विल बी पॉजिटिव। इफ इट इज पॉजिटिव देन वी कैन अज्यूम दैट, या हम इससे निष्कर्ष निकालते हैं कि HI and H note have same sign, okay? अब देखना बच्चों, HI and H note have same sign, इसका मतलब यदि इस तरफ ऑब्जेक्ट है तो ऐसी की ऐसी ही इमेज बनेगी। इसका मतलब इमेज क्या बन रही है? इरेक्ट बन रही है, सीधी बन रही है। क्या बन रही है? सीधी इमेज बन रही है। और सीधी इमेज क्या होती है? वर्चुअल होती है। क्या होती है? वर्चुअल होती है, काल्पनिक होती है। ये एक चीज हमें दो चीजों की जानकारी देके चली गई। यदि आपका m पॉजिटिव है, इसका मतलब जो आपकी इमेज है वो क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट है, सीधी और काल्पनिक है। ओके, अब अपन चलते हैं बच्चों सेकेंड कंडीशन के ऊपर। सेकेंड कंडीशन जो अपनी होगी वो ये होगी, ध्यान देना, ये चीजें बहुत छोटी है बट ज्यादा समझने वाली चीजें। सेकेंड कंडीशन, इफ m इज नेगेटिव। यदि m क्या हो? नेगेटिव हो, इट मीन्स क्या होगा? एच आई एंड एच नोट आल्सो विल बी नेगेटिव। एच आई और एच नोट भी क्या है? नेगेटिव है। और ये नेगेटिव, ये ऋणात्मक तभी होंगे जब दोनों के पास अलग अलग साइन होंगे। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ? एच आई एंड एच नोट है डिफर साइन। ओके, या आल्सो नोन एज, या आल्सो कैन से अपोजिट साइन। ओके, इससे क्या रिजल्ट निकालते हैं बच्चों? इमेज क्या होगी? यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी, यदि ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसी होगी। इसका मतलब इमेज विल बी इन्वर्टेड, उल्टी है। क्या है? उल्टी। और उल्टी इमेज हमेशा क्या होती है? रियल होती है। क्या होती है? वास्तविक होती है। उल्टी इमेज हमेशा क्या होती है बच्चों? वास्तविक होती है। दोबारा बता देता हूं, आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है सेकंड कंडीशन, इफ m विल बी नेगेटिव। यदि m क्या हो? नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो, तो देन फ्रॉम फॉर्मूला ऑफ द m, h i एंड h नोट आल्सो विल बी नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव हो, इसका मतलब h i और h नोट ने क्या रख रखा है? अपोजिट साइन रख रखा है। अपोजिट साइन रख रखा है, इसका मतलब यदि ये सीधा है तो ये उल्टा, यदि ये उल्टा है तो ये सीधा। इसका मतलब इमेज बनेगी इन्वर्टेड, उल्टी। उल्टी इमेज हमेशा वास्तविक होती है, इन्वर्टेड इमेज आल्सो विल बी रियल। ओके, आगे बात समझ में। अब मैं चलता हूं थर्ड कंडीशन पे, ध्यान देना बच्चों। अब अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन पे ऑफ ए मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की थर्ड कंडीशन पे चलते हैं, चलते हैं भाई। थर्ड कंडीशन क्या है? एम विल बी, मान लीजिए कि मोड ऑफ एम जो है, मोड ऑफ एम जो है वो ग्रेटर देन वन है। मोड ऑफ एम क्या है? ग्रेटर देन वन है। अब की बार इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मैग्नीट्यूड, नोट साइन। साइन नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, साइन और मैग्नीट्यूड में ये डिफरेंस होता है। यहां मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब हमेशा राशि पॉजिटिव होगी। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी। यहां मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो क्या होगी? पॉजिटिव ही होगी। क्या होगी बच्चों? पॉजिटिव होगी। अब ध्यान देना कि एम पॉजिटिव, इसका मतलब एच आई अपॉन एच नोट आल्सो विल बी ग्रेटर देन वन। यदि ये वन से ग्रेटर देन है, इसका मतलब एच आई इज ग्रेटर देन एच नोट। एच आई इज ग्रेटर देन एच नोट, इसका मतलब क्या है? इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से। इमेज क्या है? बड़ी है ऑब्जेक्ट से। इसका मतलब
इमेज क्या है, मैग्निफाइड है, क्या है, मैग्निफाइड है, परवर्धित है, क्या है, परवर्धित इमेज है, अर्थात इमेज को बढ़ाया गया है ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है, क्या बनी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनी है। आगे बात समझ में, एच आई इज ग्रेटर देन एच नॉट, इसका मतलब इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, परवर्धित है, मैग्निफाइड है। सेकंड कंडीशन यही ले लेते हैं, नोन एज फोर्थ कंडीशन, M नेगेटिव हो, अगर मोड ऑफ M भी क्या हो, एक से छोटा आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है एच आई अपॉन एच नॉट लेस देन वन, इसका मतलब मोड ऑफ एच आई इज लेस देन मोड ऑफ एच नॉट, अर्थात इमेज अब की बार छोटी बन गई है, किससे, ऑब्जेक्ट से, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज हो गई है, क्या हो गई है, डिमिनिश्ड इमेज हो गई है, मतलब छोटी हो गई है। आगे बात समझ में, पहले दो वाली जो साइन वाली कंडीशन थी वो आपको बता रही थी कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, बल्कि ये जो ये मैग्नीट्यूड वाली जो कंडीशंस है वो आपको ये बताएगी कि इमेज बड़ी है या छोटी है। यदि जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन वन है, देन इमेज विल बी मैग्निफाइड, यदि जो मैग्नीट्यूड है वो, सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्निफिकेशन, यदि मोड ऑफ मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन वन है, तो देन इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ओके, ये अपना चर्चा होगी बच्चों मैग्निफिकेशन पे। आगे बात समझ में, मैग्निफिकेशन को हमने इस वीडियो में चर्चा की, अब आज हम इस वीडियो में ही साथ में एक चीज और करने वाले हैं, वो चीज है मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, आज हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो में मिरर फॉर्मूला, हिंदी में इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। मिरर फॉर्मूला क्या यूज आता है, अपने मिरर्स के संबंध में, मिरर से रिलेट जितने भी न्यूमेरिकल्स करने होते हैं उनमें सारे में ये यूज होता है। पहले बता दूं क्या होता है मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, f हमारी यहां पे होगी फोकल लेंथ, क्या होगी फोकल लेंथ, फोकस दूरी, क्या होगी बच्चों फोकस दूरी, v हमारी यहां पे होगी डिस्टेंस ऑफ इमेज, मैं यहां पे फ्रॉम पोल नहीं लिख रहा हूं, दोबारा बता देता हूं, फ्रॉम पोल नहीं लिख रहा हूं, बट ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ओके, ये है अपने प्रतिबिंब की दूरी, किसकी दूरी है ये, प्रतिबिंब की दूरी। अब अपन चलते हैं यू पे, यू क्या बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, हिंदी में क्या बोलोगे, बिंब की दूरी, क्या बोलोगे, बिंब की दूरी। ध्यान रखना एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, बिंब की दूरी। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, बिकॉज दे आर सराउंडिंग मोर पैलेस ऑफ द बोर्ड। ओके, अब अपन चलते हैं इसको प्रूव करने में कि रियल में 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है या नहीं होता है। ओके, फर्स्ट चलते हैं फोर कोन के मिरर, दोनों के लिए दिखाऊंगा बच्चों। ओके, फोर कौन के मिरर, अवतल दर्पण के लिए, किसके लिए चलते हैं, अवतल दर्पण के लिए चलते हैं, चलते हैं अवतल दर्पण के लिए। ये बनाया हमने अवतल दर्पण, अवतल दर्पण बनाया, ये लो जी अवतल दर्पण बनाया, ये इसका प्रिंसिपल, ये पोल, फोकस, ये सी, कोई दिक्कत नहीं, आ गई बात समझ में। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं बच्चों, ध्यान देना, हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा, अब की बार जो ऑब्जेक्ट है मान लीजिए कि वो यहां है, ये यहां हमारा ऑब्जेक्ट है, कहां है, यहां हमारा ऑब्जेक्ट है। एक बात मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं कि अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट साइज का लिया है, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे ही पड़ा है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लिया है, बिंदुवत रूप का लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस से ही पड़ा है। आगे बात समझ में, इससे एक रेज ऑफ लाइट निकालते हैं, सीधे इधर की तरफ निकालते हैं,
किससे गुजर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली जो रेखा होती है वो वापस उसी दिशा में आ जाती है। लो जी, वापस उसी दिशा में आ जाएगी। ध्यान देना, ये जो तीर ये के निशान लगा रहा हूं ना, एरो के निशान, वो बहुत कुछ बयान कर रहे हैं जी, बहुत कुछ बयान करते हैं, नजरें बहुत कुछ बयान कर देती है। ध्यान देना, ये रे जो फ्लाइट आ रही है जो कहां से निकल रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वापस कहां जाएगी रिफ्लेक्ट होके? उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाएगी। कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। ये जो पॉइंट बना रखा है ना मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो अपना ऑब्जेक्ट है बच्चों। क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना, क्या है? अपना ऑब्जेक्ट है। ओके, आगे बात समझ में। अब अपन चलते हैं आगे। ओके जी, अब देखना, मैं एक रेज गिराता हूं, इससे यहां गिरा देता हूं। ये लो जी, यहां गिरा दी मैंने एक रेज। कहां गिरा दी? यहां गिरा दी जी। ओहो, डायग्राम नहीं बन रहा है। अपन इसको मिरर को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। हालांकि मिरर अपने को, मैंने आपको बोल चुका हूं कि अपना जो मिरर है वो छोटे अपरेचर का होना चाहिए जी, है ना। ये लो जी, ये गिरा दी। ओके, अब हमें पता है कि हमें ये इंसिडेंट रे है हमारी, सेकंड वाली इंसिडेंट रे है। कौन सी? फर्स्ट वाली तो कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। सेकंड वाली कहां है? यहां से जा रही है, ये इमेज यहां इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट पॉइंट इसका कहां है? ये रहा। इस इंसिडेंट पॉइंट पे हमें एक नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा। नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। बच्चों ध्यान देना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, इसलिए हमें इसका थोड़ा सा दोबारा बनाना पड़ेगा बच्चों, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सॉरी, हम इसको दोबारा बनाते हैं थोड़ा सा। ये अपना मिरर, ओके, ये अपना मिरर लो जी, अच्छे से बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पे अपना ऑब्जेक्ट पड़ा है। ओ, एक रेज ऐसे आ रही है, वापस ऐसे जा रही है। ओके, एक रेज हम गुजार रहे हैं इससे ऐसे। अब हमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना पड़ेगा, हमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना पड़ेगा। बनाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से निकलेगा? इससे निकलेगा। ये यहां एक एंगल बनाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये यहां एक एंगल बनाएगा थीटा। ये कौन सा एंगल होगा? इंसिडेंट एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा? इंसिडेंट, बिकॉज इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल है अपना बच्चों। बिकॉज स्फेरिकल मिरर में जो नॉर्मल होता है वो कहां से जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है। इस डायग्राम को देखने का थोड़ा सा प्रयास करना जूम करके, कि जब ये आ रही है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे यहां पे इंसिडेंट कर गई, अब एक नॉर्मल बनाते हैं, जो नॉर्मल कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा। मेरी लाइन टेढ़ी है, मेरे को पता है, थोड़ी सी लाइन में टेढ़ा बना रहा है, लेकिन इसको समझना कि यहां से एक सीधी रेखा खींची गई है। अब ध्यान देना कि जितने एंगल से आई है उतने के उंधे एंगल से ये क्या हो गई है? रिफ्लेक्ट हो गई है। ये थीटा आ गया बराबर। ओके, अब ध्यान देना, यहां इमेज बन गई है। अब आप मेरे को पूछोगे, सर यहां पे दो रेज कहां आई? क्योंकि इमेज तो तभी बनेगी ना जब दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो बच्चों फर्स्ट रेज तो ये रही और सेकंड रे ये रही, आगे बात समझ में। तो ये हमारी यहां पे इमेज क्रिएट हो गई है। अब मान लिया कि हम यहां ये पॉइंट मानते हैं M, क्या मानते हैं? M, इंसिडेंट पॉइंट क्या मान लेते हैं? M। अब इंसिडेंट पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचते हैं जिसको क्या नाम देते हैं? पी डैश। अब अपन थोड़ी सी एक सुपरस्टिशन देखते हैं, अपन थोड़ा सा एक अजम्पशन देखते हैं। क्या देखते हैं? ध्यान देना कि फॉर ए स्मॉल अपरेचर छोटे द्वारक वाले दर्पणों के लिए क्या होता है? ये जो P पॉइंट होता है वो बराबर होता है P के। ध्यान देना, ये दर्पण जैसे जैसे छोटा होता जाएगा वैसे वैसे P डैश और P पास पास आने लग जाएंगे बच्चों। ध्यान देना दोबारा से मेरी इस कंडीशन को, जैसे जैसे ये छोटा होता जाएगा वैसे वैसे पी डैश और पी पास पास आते जाएंगे। और मैं आपको शुरू से बताता आ रहा हूं कि अपरेचर कैसा लेते हैं? वेरी स्मॉल अपरेचर वाले मिरर्स लेते हैं। हमें पता है कि डायग्राम बनाते समय हमें अपरेचर बड़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारा रे डायग्राम अच्छे से नहीं तैयार होता है। जब तक रे डायग्राम तैयार नहीं होता है तो हम फील नहीं ले पाते हैं कि हमने इमेज, जैसे हमारी यहां पर फीलिंग पूरी गड़बड़ा गई है। देखना ये लाइन, हालांकि मेरे को पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, और मेरे को पता है आप भी बहुत समझदार हो, आपको भी पता चल रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, बट थोड़ा सा फीलिंग में क्या आ जाता है,
थोड़ी सी 21 19 21 आ जाती है, फीलिंग में थोड़ी सी कमी आ जाती है, क्योंकि जैसे ही लाइन टेढ़ी दिख रही है आपके मन में आ जाता है सर तो लाइन टेढ़ी खींचते हैं, टेढ़ी नहीं खींच रहा हूं लाइन मैं, मेरी तरफ से बहुत सीधी लाइन खींच रहा हूं, बट यहां से थोड़ी सी जगह की कमी होने के कारण लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है। ये भी इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल है, ध्यान देना बच्चों, आगे बात समझ में, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्शन एंगल है और ये नॉर्मल है। ये जो मैंने डोटेड लाइन खींची है वो एन लगाया है मैंने, ये क्या है नॉर्मल है बच्चों, अभिलंब, और अभिलंब जो होता है वो हमेशा और हमेशा वक्रता के अंदर से होके जाता है, अभिलंब हमेशा वक्रता के अंदर से होके जाता है, ये हमेशा और हमेशा ध्यान रखना। अब कुछ चीज हम देखते हैं, फोर स्मॉल अपर्चर पी डैश एंड पी पी डैश इज इक्वल्स टू पी, यदि आप पी डैश बोलोगे तो भी क्यों क्या होगा पी होगा, ओके। अब हम मानते हैं इस एंगल को तो हम नाम देते हैं अल्फा, इस एंगल को हम नाम देते हैं बीटा और इस एंगल को हम नाम देते हैं गामा, ये बीटा है, क्या नाम दे देते हैं बीटा और गामा, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और, इसको ये हमें थोड़ी सी हाइट दिखाई दे रही है, इसको हम दे देते हैं एच, चूंकि एच पॉजिटिव होगी बिकॉज ये हाइट मेजर कहां हो रही है अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम द साइन कन्वेंशन ऑल द डिस्टेंस विच आर मेजर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस विल बी पॉजिटिव, क्या होगी हमेशा धनात्मक होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है अबव हो रही है, इसका मतलब ये क्या होगी धनात्मक होगी। आई बात समझ में बच्चों, अब देखना मैं आपको कुछ चीजें पूछता जा रहा हूं, जल्दी जल्दी आप उत्तर देते जाना, मेरे को पता है उत्तर मेरे को ही लेना पड़ेगा, फिर भी मैं आपको पूछने की कोशिश करता जा रहा, ओके। फर्स्ट ट्राइंगल मैं ले रहा हूं, ट्राइंगल ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश, OMP डैश में इफ VTEC tan अल्फा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज और डिसाइड करता हूं, O क्या है U है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, C क्या है R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आई यहां क्या है V है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ध्यान देना डिस्टेंस ऑफ इमेज, पी आई क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज, सी पी क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, जबकि ओ और पी क्या है यू है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं विद साइन कन्वेंशन वी हैव टू पुट ऑल द डिस्टेंस विद द साइन कन्वेंशन इन और फॉर्मूला, हमारे सूत्र में जितनी भी दूरियां रखेंगे कौन किसके साथ रखेंगे चिन्ह परिपाटी के साथ में रखेंगे, ओके बच्चों चलते हैं आगे, ध्यान देना tan alpha क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेसिस, परपेंडिकुलर क्या है h है, बेसिस क्या है माइनस u है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रेज विल बी ये डायरेक्शन है और अपन किस डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में भागे जा रहे हैं, तो ये क्या आ गया माइनस u आ गया, ओके। अब मैं इसी तरह लेता हूं tan बीटा, मेरे को ट्राइंगल बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपको ट्राइंगल अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है, tan बीटा क्या होगा h अपॉन tan बीटा क्या होगा बच्चों h अपॉन v, h अपॉन माइनस v, h अपॉन माइनस v, इसी तरह tan गामा क्या होगा tan गामा होगा h अपॉन माइनस r, ओके h अपॉन माइनस r, ये तीन चीजें हमें रखेंगे सहेज के रखेंगे इन तीनों चीजों को, ये तीनों चीजें हमारे काम आएगी इस फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए, बिकॉज हम तो मिरर फॉर्मूले को प्रूव करने जा रहे हैं कि 1 अपॉन f इज इक्वल्स टू होता है क्या 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v, ओके ये हमारी तीनों चीजें आई है, हमने h डिस्टेंस h हाइट ली है बिकॉज हमें दिखाई दे रही है यहां पे कुछ ना कुछ हाइट है, कुछ ना कुछ हाइट है, चाहे कितना भी छोटा मिरर ले लो कुछ ना कुछ हाइट अवेलेबल यहां होगी, आगे बात समझ में। अब ध्यान देना बच्चों, मैं आपके सामने एक और चीज करने जा रहा हूं, देखना ये जो गामा एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो गामा एंगल आपको दिखाई दे रहा है गामा एंगल, वो मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ट्राइंगल ओ एम सी, ट्राइंगल ओ एम सी, ओ एम सी में गामा जो है वो एक्सटर्नल एंगल है बाह्य कोण है और एक्सटर्नल एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट्स एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट्स एंगल, ए दो एक दूसरे के विरोधी कोणों या एक दूसरे के आमने सामने वाले कोणों के बराबर होता है, इसका मतलब गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, तो ध्यान देना गामा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोबारा बता देता हूं, ट्राइंगल को कंसिडर करो कौन से को ओ एम सी,
कंसिडर करो जिसमें गामा एक्सटर्नल एंगल आपको दिखाई दे रहा है भली भांति दिखाई दे रहा है एकदम आराम से, अगर सही आंखों से देख रहे हो एकदम आराम से, आंख में खोट नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू गामा। अब मैं दूसरा एंगल आपको कंसिडर कराने जा रहा हूं, ट्राइंगल सी एम आई ये रहा जी, सी एम आई ये रहा, ओके CMI में बीटा जो है वो एक्सटर्नल एंगल है और बीटा किसके बराबर होगा, थीटा प्लस गामा, सेकंड नंबर इक्वेशन। ओके अब हमें दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, थीटा को एलिमिनेट करना है बच्चों। दोनों इक्वेशन हमारे पास है, दो इक्वेशन से आप थीटा को एलिमिनेट आसान से कर सकते हो, किससे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किससे कर देते हैं, दोनों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं आपस में, बीच वाले को एक बार मैं हटा देता हूं, कंसीडर तो आपने कर लिया होगा एंगल, ओके ये लो जी, ये माइनस और ये माइनस, थीटा से थीटा, चलो गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा। ओके अब गामा को इधर बगाओ, गामा प्लस गामा टू गामा, लो जी अल्फा और प्लस बीटा, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब इस इक्वेशन का यूज करेंगे हम इन तीनों के साथ, लेकिन इससे पहले हम एक चीज और देखेंगे, इससे पहले हम ये चीज देखेंगे कि हमें पता है कि हमारा जो मिरर है, हमारा जो दर्पण है वो स्मॉल अपरेचर छोटे द्वारक का है, और छोटे द्वारक के दर्पणों में देखना, इसको आप ऐसे समेटो, इसको समेटते ही आपको जो अल्फा गामा और बीटा दिखाई दे रहे हैं वो दिखने ही बंद हो जाएंगे, इसका मतलब ये एंगल बहुत ही छोटे होते हैं, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, और जब ये एंगल स्मॉल होता है तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा, टेन बीटा इज इक्वल्स टू बीटा, टेन गामा इज इक्वल्स टू सॉरी गामा बीटा लिखा गया गामा। ओके इक्वल का मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल, क्योंकि हम यहां पे क्या मान रहे हैं, छोटा मान रहे हैं, छोटे द्वारक का मिरर हमने ले रखा है, तो अल्फा बीटा और गामा की जगह इनका मान हमें रख देते हैं, रखते हैं बच्चों अल्फा बीटा और गामा की जगह, टू गामा का मान कितना है एच अपॉन माइनस आर इज इक्वल्स टू टू सॉरी टू नहीं आ रहा है, अल्फा का मान कितना है एच अपॉन माइनस यू और माइनस सॉरी एच माइनस वी। ओके अब ध्यान देना, यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस तो कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा इस एच भी कैंसिल आउट, वन अपॉन आर वाई टू इज इक्वल्स टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, और हमें पता है आर वाई टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, फोकल लेंथ के, ये चीज आपको सबको पता है, आर वाई टू इज इक्वल्स टू होता है एफ, तो देन हम यहां पे पुट कर देते हैं एफ, तो क्या हो जाएगा वन वाई एफ इज इक्वल्स टू वन वाई वी प्लस वन वाई यू, ये हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। ध्यान देना अभी तक हमने केवल कॉनकेव मिरर के लिए किया है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी आएंगे हम करेंगे कॉनवेक्स मिरर के लिए, ये मिरर फॉर्मूला है, इसको ध्यान से पढ़ना, इस डायग्राम को थोड़ा सा बनाना अपने नोटबुक में और थोड़ा सा मेजर करना डायग्राम को, बड़ा बनाना रहे डायग्राम ताकि आपको एंगल्स अच्छे से दिखाई दें। फिर यहां पे एक हमें चीज माननी पड़ेगी कि टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा आर वेरी स्मॉल, तो देन दीज आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द अल्फा बीटा एंड गामा, माइनस यू माइनस वी और माइनस आर लिया है विद साइन कन्वेंशन। ओके यहां पर हमने देखा है एक्सटर्नल एंगल, एंड एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल, बाह्य जो कोण होता है वो त्रिभुज के दो सम्मुख कोणों के जो कि आंतरिक हैं उनके बराबर होता है। तो मैंने आपको ये डायग्राम से बताया, फिर यहां पे मैंने ये मान रखे हैं और RY2 इक्वल होता है F के, तो ये हमने F रख दिया और ये हमें मिरर फॉर्मूला डिराइव हो गया। ओके बच्चों थैंक यू सो मच।